है तुम्हारे हाईवे करनाल हाईवे ना, करनाल हाईवे का हाल बिल्कुल पैक। पेट्रोल पंप इस पर तीन एक साथ और तीनों में तो भाई साहब सोने का इंतजाम हो रखा सर, पत्ते चल रहे हैं बल्कि। हाँ सही कह रहा भाई, बाकी उन सब के लिए मास्क पानी पेस्ट वगैरह ब्रश वगैरह सब का इंतजाम है इधर। I got broads in the land, just to be in the family, credit cards and scams, getting the licks in the band, legacy. What's up guys, welcome back to the vlogging channel. So yaar, aaj hum yahan par aaye hain jahan pe farmers ka protest ho raha hai, तो इसलिए इधर हम आके तुम्हें जो जितना दिखा पाऊँगा मैं दिखाऊँगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ देखो कितनी भीड़ है, और साथ साथ ना ये लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे लंगर है चल रहा 2400 घंटे, कितना ही रश है यहाँ पे। यहाँ इनका जो स्टेज लगा हुआ वो स्टेज देखिए और उसकी भीड़ देखिए एक बार। सो तुम यहाँ पर चेक करो कैसे सेफ्टी का भी पर्पस देखा जा रहा है, मेडिसिन वगैरह सबको यहाँ दी जा रही है टाइम टू टाइम, जिसको चाहिए लंगर 2400 घंटे का बन रहा है ना मेडिसिन वगैरह। बाकी बार तुम्हें दिखाता हूँ क्या क्या मेडिसिन देखो। मेडिसिन वगैरह भी मिल रही है इनको टाइम टाइम, लंगर भी साथ साथ टाइम टाइम मिल रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल रश हो रखा है, बिल्कुल पैक है। तो यहाँ इन सब के रहने का भी देखो अरेंजमेंट पूरा कर रखा है, फुल अरेंजमेंट है रहने का। यहाँ पे पोस्टर्स वगैरह मिल रहे हैं जो साथ साथ बन रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स बहुत हैं। बाकी पोस्टर्स मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, ये सब पोस्टर्स बन रहे हैं इधर। सो एक बार यहाँ पर इनकी जो ट्रॉलीज वगैरह तुम एक बार चेक करो कितना ट्रैक्टर आ गया, कितने ट्रैक्टर है, और ये लगभग लगभग जाम 20-22 किलोमीटर लंबा है। अभी तो मैं 1 से 1.5 किलोमीटर ही आगे आया हूँ, तो जितना आगे चल पाऊँगा उतना दिखा दूँगा। इनका ये सुखा कपड़े सुखा रहे हैं, उधर भी देखो कैसे सूख रहे हैं, ये चेक करो। हाँ ये यहाँ पे लंगर वगैरह सारे बना रहे हैं, सामान सारा लंगर का इनका, और जो भी स्टॉक पूरा। और ट्रैक्टर भाई, अगर भाई कह रहे हैं 20 किलोमीटर लंबा जाम है, तो कम से कम 1000-2000 ट्रैक्टर तो होंगे, 1000-2000 तो होंगे ऊपर है भाई, है ना ऊपर है ना। सोलर पैनल लगे हैं भाई, सोलर पैनल भी लगे हैं भाई, और यहाँ पूरा लंगर हो रहा है।
फुल अच्छी अच्छे उसमें बन रहा लंगर, ये भी नहीं थोड़ा बहुत अच्छा, बिल्कुल देख चेक कर रहे हो। नौजवानी ने साथ दिता है साढ़े नौजवानों ने, एक मैं गल कहूँगा कि साढ़े बजुर्ग साढ़े साढ़े प्यो दादे से साड़िया मावं भैन सारी उस नौजवानी ने एक पल के साथ बात गाइस, यहाँ पे इतनी इतना रश हो रखा है, इतना लंबा जाम है तो मुश्किल ही है। मैं आगे जाना इतना लंबा जा भी सकता हूँ पैदल, क्योंकि अपना गाड़ी ला सकते नहीं है यहाँ पे। हम अभी यहाँ कदमर गिरवाल आ रखा है, बाकी तुम यहाँ लंगर की सेवा चेक करो, फुल सेवाएं हो रही है, ढंग से हो रही है। फुल यहाँ सेवा है और अच्छे से बिल्कुल हो रहा है। बाकी एक सर्विस लाइन शायद इन्होंने खोल रखी है जो एम्बुलेंस वगैरह जाने के लिए, जिसको एम्बुलेंस जाना वो किसी की शादी हो वो जा सकता है। बस तुम मेरे पीछे भी देख सकते हो जितना हम चल रहे हैं, और आगे अभी तो हम सिर्फ अब मेरे को तो एक भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, आधे में आया हूँ रखता आगे और बहुत है। और हर 50-60 मीटर बाद इन्होंने कुछ ना कुछ लंगर खाने का लगा है, चाय का स्टॉल लगा हुआ है या कुछ ना कुछ बिस्किट वगैरह का स्टॉल लगा, पर लगे हुए सबके इतने स्टॉल। बाकी आगे जो इनका स्टेज है वहाँ पे भी कर्नल के बाहर रखा, तो इसलिए थोड़े ही बंदे मेरे को लग रहा है 10% बंदे होंगे जो आगे गए होंगे, बाकी पीछे ही हैं अभी। और ये तो बहुत लंबा जाम है। बाकी अगर इधर मेरे को कुछ अच्छा लगा आपको दिखाने लायक तो मैं आपको दिखाऊँगा आपको। और बाकी उन सब के लिए मास्क, पानी, पेस्ट वगैरह, ब्रश वगैरह सब का इंतज़ाम है इधर। ये देखो इन्होंने बॉर्डर में जहाँ बैरिकेडिंग हो रही है वहाँ पे घोड़े कैसे बांध रखे हैं इन लोगों ने खुद अपने लाके। यहाँ पर देखो पुलिस वगैरह आर्मी वगैरह भी तैनात है, सबके किन्नी के हाथ में एक के फोटो चाहे ना, किसी में आंसू गैस के गोले वगैरह जिसमें डलते हैं वो, मिलिट्री सारी खड़ी है। पर क्या कर पाएंगे यार, इनका कुछ नहीं कर पाएंगी, ये इतने से बंदे ही हैं। और यहाँ पर आगे देखता हूँ अगर कोई होंगे तो दिखाता हूँ। भाई साहब बसें गाड़ियाँ चेक कर लो, और ये क्या है, गुरु तेग बहादुर मेमोरियल। यहाँ पर भी टेंट लगे हुए हैं अंदर, देखता हूँ अंदर जाता हूँ। मुझे चलते चलते यहाँ एक और चीज़ मिली है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, चार्जिंग पॉइंट। चार्जिंग पॉइंट भी दिखा देते तुमको अंदर चल के थोड़ा सा। फोन चार्जिंग पॉइंट ये इधर, लंगर वगैरह जो इनका कर रहे होंगे इधर भी। अरे गुरु तेग बहादुर मेमोरियल वाला, उसको इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो हमारे मोमडन भाई हैं उन्होंने यहाँ पे लंगर लगा रखा है पीछे की तरफ, ठीक है। तो और इसी से मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी यहाँ पर, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं की कास्ट सिस्टम नहीं, बिल्कुल बेस्ट लगा मेरे को। मिल बांट कर सब यहाँ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो यार मेरी वीडियो अगर तुम्हें यहाँ तक तुम लोगों ने देखी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और बाकी आगे जो मैं देख रहा हूँ, आगे मैं मतलब चल रहा हूँ, अगर कुछ दिखा तो उसमें दिखाएंगे। बाकी यहाँ पर सारे जो चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी यहीं पर ही है, बाकी रहने का भी इंतज़ाम है यहाँ पर सबका। और जो इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा खाने का लंगर का, तो उसमें भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। बाकी आगे चलता हूँ बॉर्डर की साइड और देखता हूँ अगर कुछ दिखता है उसमें। तो यहाँ पर इनका फुल वॉशरूम का अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, इतनी दूर तक ऐसे ये वाली गाड़ियाँ खड़ी हैं, अगर तुम लोगों को शायद दिख रहा हो, मैं तो इतना दूर जा सकता नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत दूर है यहाँ से अब तक। और फुल गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं। बाकी ये रोड तो बिल्कुल जाम है, और जिसने भी आना भाई नेविगेशन डालना वो सीधा अंदर ही अंदर से तुम्हें निकालेगा, पर अंदर अंदर निकले हमें तो ये निकले। तो किसी ने भी बाहर जाना दिल्ली से तो भाई अभी मत जाना, सब खत्म होता उसके बाद ही निकलना, वरना फंस गए ना तो फिर। सो गाइस आज के लिए इतना ही, जितना मैं कवर करता था मैं कवर कर लिया। तो यहाँ पे तुम्हें पता चली गया कि जैसे किसान बैठ रखे हैं, और इन्होंने हमें बताया कि ये अप्रैल तक फ्री हैं, तो अब समझ लो गवर्नमेंट का क्या हाल होने वाला है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुँचाना, उनको दिखाना कि ऐसा क्या प्रोटेस्ट हो रहा है।
और इसको लाइक करो और प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लव यू ऑल, बाय। Close till I get up. Time is barely on us.